नमस्कार दर्शकों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी पर। आज की तारीख है 4 सितंबर 2023 और दिन है सोमवार। मैं कीर्ति लेकर आई हूँ कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नज़र आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। गाड़ियों की नीलामी, 10 मिनट पर मंचिराल की बस, बारिश ने भिगा कर मारा। कागज नगर में एरिया हॉस्पिटल, पोलिंग बूथ्स का निरीक्षण। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। कल गाड़ियों की नीलामी है। कहाँ है नीलामी? नीलामी है कागज नगर SBI के सामने मौजूद एक्साइज ऑफिस में। यहाँ पर जब्त हुई गाड़ियों की नीलामी होगी। आपको भी अगर इस नीलामी में शामिल होना है तो पहुंच जाइए कल यानी मंगलवार सुबह 10 बजे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर आधे घंटे में कागज नगर से मंचिराल के लिए एक बस निकलती है, लेकिन आज आसिफाबाद बस डेपो मैनेजर श्रीधर जी ने प्रेस वार्ता में बताया कि अब 9 तारीख तक ट्रेन बंद रहने के कारण RTC बसेस में भीड़ हो रही है। ऐसे में अब आसिफाबाद बस डेपो की ओर से हर 10 मिनट में मंचिराल के लिए एक बस चलाई जाएगी। साथ ही आसिफाबाद से लेकर हैदराबाद जाने वाली हर बस को वाया कागज नगर चलाया जाएगा। इससे यात्रियों को भीड़ से छुटकारा मिलेगा और आसिफाबाद बस डेपो को एक्स्ट्रा इनकम भी होगी। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की तीसरी खबर की ओर। बारिश ने सिरपुर तालुके को बेहद नुकसान पहुंचाया है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे और कहां पर ये नुकसान हुआ है। पूरे जिले में बिजली की सेवा एकदम से बंद हो गई है। सब जगह बारिश ने ट्रांसफार्मर को खराब कर दिया है, जिससे कि बिजली बंद है। रविवार को लगने वाले बाजार भी बारिश की चपेट में आकर बर्बाद हो गए हैं। सभी सब्जी बेचने वाले सड़क पर बैठकर बारिश में भीग गए। लोग उनका सामान भी बारिश में भीग कर बर्बाद हो गया। सिरपुर टाउन में मौजूद नागम्मा चेरुवू यानी मिनी टैंक बैंड भी बारिश की वजह से कीचड़ में बर्बाद हो गया। भारी बारिश की वजह से पेद्दावागो में इतना सैलाब आया कि अंदरवेली का पाइपलाइन ब्रिज फिर से टूटकर बर्बाद हो गया। अब फिर से कागज नगर और दहेगांव मंडलों के बीच का संपर्क टूट गया है। आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि आपको बारिश से क्या नुकसान हुआ है। कागज नगर के सरकारी अस्पताल में फिलहाल 30 बिस्तर हैं। सरकार ने इसे 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाने की घोषणा की है। इससे यह अस्पताल अब अपग्रेड होकर एरिया हॉस्पिटल बन जाएगा। ये अस्पताल इस जिले का एकमात्र एरिया हॉस्पिटल बन जाएगा। इसमें नई सुविधाएं भी मिलेगी और लोगों को कम खर्च में इलाज की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नई वोटर लिस्ट बनकर तैयार है। नए पोलिंग बूथ भी तैयार किए जा रहे हैं। इन पोलिंग बूथ का निरीक्षण करने के लिए खुद कलेक्टर श्री हेमंतराव बोरखड़े और डिप्टी साहब श्री वेणु जी निकल पड़े हैं। ये दोनों जिले में मौजूद हर एक पोलिंग बूथ की चेकिंग कर रहे हैं। इन पोलिंग बूथ्स पर मौजूद हर सुविधा का निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि आने वाले असेंबली इलेक्शन में कोई गड़बड़ी न हो पाए और अच्छे से वोटर अपने हक का वोट सुविधा के साथ दे पाए। तो ये थे दर्शकों आज के कुछ खास समाचार। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल इसी समय कुछ खास समाचारों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।